शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से बहू को कहा कि आप ऊपर आ रही हैं दिवाली मनाने। हाँ, और सिर्फ आपकी बहू नहीं है, काहे आएंगी आप ऊपर बताइए। तनुजा, आप सास बन गई हैं, लेकिन आपको इतना भी नहीं पता है कि दिवाली पूरे परिवार के साथ मनाई जाती है। आपको सब पता है, आपका पैर टूट गया है, लेकिन आपको सूझा कि आप सीढ़ी कैसे चढ़ेंगी और अगर आप हमको परिवार का हिस्सा मानती हैं, तो आपको शर्म आ रहा है क्या हमको नीचे बुलाने में? बताइए। आज हम बम लगाएंगे। भाभी, आपने तो हमारे लड्डू खाए ही नहीं, खा के बताइए पहले वाला स्वाद है या नहीं। बात है नुजा, तुम्हारे हाथ का स्वाद तो बिल्कुल नहीं बनता। भाभी, बहुत हो गया उठक बैठक, अब आप देखिएगा कैसे आपके पैर का दर्द छू मंतर हो जाता है। लक्ष्मी माना इस बार ऊपर नीचे से होते हुए ही जाएंगे, तो हम भी पूजा यही करेंगे आपके साथ। भाभी, इस बार हम सब दिवाली एक साथ मनाएंगे। ओहो, बहुरानी साहिबा, बेगम नूर जहां, कुछ जितना सजने संवरने का शौक रखती हो, थोड़ा घर भी सजा लिया करो, दिवाली है, सब साथ में मना रहे। हाय, कहाँ गायब हो गई बेगम नूर जहां? बेगम नूर जहां? नहीं बुआ जी, आप हमें बुला रही हैं? हाँ, लेकिन ये तुमने कौन सा नया कांड कर दिया? कमर में बेल्ट लगी है, मतलब दर्द हो रहा होगा ना? ये तो 4 साल के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा बुआ जी। वो ना, हमारी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, बैठा भी नहीं जा रहा। बुआ जी, हम तो झुक भी नहीं पा रहे हैं। बहुत दर्द हो रहा है। आ जाओ बेटा, मैं तुम्हें बिठा देती हूँ, आराम से तुम्हारी प्यारी सी कमर लग जाए। आराम से तुम बैठो, तुम्हें चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं, हम है ना। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। शुक्र है, घर की सबसे बड़ी कामचोर से छुटकारा पा लिया हमने, वरना बैठे बैठाए 4-5 काम और देके चली जाती। लक्ष्मी माता, हमारी बहू को जितना दर्द हो रहा है, वो सारा दर्द उसके दुश्मनों को होने लगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हें सारी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होने देंगे। हमने घर में सबको बता दिया है कि जितने भी घर में दिए लगेंगे, उन सारे दियों की पार्टी बैठकर तुम बनाओगी। ये काम तुम्हें बैठे बिठाए करना है, छुपने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो अब आराम से
चार घंटे तक ना इन सारी बाती को तुम बना लेना। बाती तो बड़ी अच्छी बना लेती हो, बाती भी अच्छे से बना लेना। ठीक है बेगम लोजा, हमारा मतलब है वरुण की स्वीट। चार घंटे हम सजने संवरने में ना लगा दे, किस फालतू काम में अपना टाइम वेस्ट करें। सुना था दिवाली में चमत्कार होते हैं, तुमने तो आज साबित भी कर दिया। सब कुछ आप ही की वजह से तो हो पाया है। किसी की भलाई के लिए बोला गया एक झूठ 100 सच को भी रेस में पीछे छोड़ देता है। आप ही ने तो ये प्रेरणा दी है ना। तुम देखना इस दिवाली से अच्छा ही अच्छा होगा। सालों बाद दोनों परिवार एक साथ होकर दिवाली मनाएंगे और हम उस गुंडे को ढूंढ निकालेंगे जिससे उसके पीछे छिपे उस शख्स का खुलासा होगा। फिर वो भी हमारी ये असली हैप्पी दिवाली। वैसे श्रद्धा ये रंग तुम पे बहुत अच्छा लगता है। इस रंग की 2-3 साड़ियां और खरीद ली। आप भी इस रंग के 2-3 कपड़े खरीद लीजिए, सूट करता है आपको। और वैसे भी ये मेरा पसंदीदा रंग है। सच्ची? चलो अच्छा है, कहीं तो हमारी पसंद मिली। मुझे भी ये रंग बहुत पसंद है। क्या हुआ? मेरे बाल फंस गए। अरे कहाँ गए सब लोग, दिवाली आज ही है। कोई नीचे देखेगा भी कि सारी तैयारियां हुई या नहीं। नीचे चलते हैं। मैं अभी आती हूँ। लो आगे दोनों सहेली। आज तो लक्ष्मी माता खुद हमारे घर में ये नजारा देखने के लिए आएगी। उन्हें कहां पता था कि हमारी दोनों भाभियां ऐसे एक साथ बलाया लेनी तो बनती है। हाँ हाँ ऋतु, बलाएं तो आप लेंगी ही अब, क्योंकि आपके ऊपर नीचे वाली पंचायत जो अब नहीं चलेगी। क्यों, चिंता हो रही है आपको?
भाभी आप भी क्या बोले जा रही हैं, क्या सोचती हैं आप हमारे बारे में? अरे आपको नहीं पता, इस दिन के इंतजार में ना हमारे इतने बाल सफेद हो गए कि मेहंदी भी कम पड़ रही है, क्या बताएं हम? हमारी दोनों भाभियों को किसी की नजर ना लगे, तुम कितनी प्यारी लग रही है। पता चला उन गुंडों का? उनके अड्डे का पता चला है, मैं बस निकल रहा हूँ इससे पहले कि वो वहां से गायब हो जाए। रुकिए, आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे तुम फिर डर जाओगी और तुम्हें संभालने के चक्कर में गुंडे निकल जाएंगे। इस बार आप मेरे साथ हैं, मेरे पास डरने की कोई वजह नहीं है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। चलो जी। वो नमस्ते दोस्तों, आज हम आप सबके साथ दिवाली मनाएंगे। ये लीजिए, नाम लिया और हाजिर। खास मौका है क्योंकि हमारे ससुराल में हमारी पहली दिवाली है। ये देखिए हमारा डिजाइनर लहंगा, ज्वेलरी भी बहुत महंगी है। हाय, ओ चलिए कीर्ति मिलेगी आपसे दोबारा, तब तक के लिए हमारा प्यार भरा सायोनारा। बुआ जी, हम ना आपकी वो बहू जो सबसे अलग, आपकी जैसी है, जैसे आपके घुटने का दर्द कभी खुद ही आ जाता है कभी खुद ही चला जाता है, वैसे ही हमारे कमर का दर्द कभी खुद ही आ जाता है कभी खुद ही चला जाता है। अरे बेटा नंबर दो और बहू नंबर दो कहाँ है? हमारा मतलब है कि श्रद्धा और अभय कहाँ चले गए, परिवार को इकट्ठा करके फुर हो गए। ये अभय और श्रद्धा कहाँ चले गए? इसका फोन कहीं यहाँ तो नहीं? आदम का फोन है, मैं अटेंड करके आता हूँ। हेलो, आप क्या नए बवाल हुआ? भैया जी, उन लौंडिया श्रद्धा है ना, किसी लौंडे के साथ हमारे अड्डे पे आ गई है, हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। भैया जी हमको बचा लीजिए। भैया जी अगर हम पकड़े गए ना तो अपनी जबान हम ज्यादा देर तक बंद नहीं रख पाएंगे। ठीक है मैं आता हूँ, तुम जहाँ पे छुपे हुए ना वहीं पे छुपे रहना और मुझे बताओ कि उस जगह का पता क्या है। अब छुपने का कोई फायदा नहीं है, फटाफट बाहर आ जा और हमारे साथ चल, चाहे तेरी जान बच जाए।
हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा मुझे और ना मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा। तेरा अब खेल खत्म है, चुपचाप हमारे साथ चल, इसी में तेरी भलाई है। अभय, मैं हूं तुम्हारे साथ और इसको जल। खुद भाग तो नहीं गए? आज तेरी वजह से सारा भांडा फूट जाता। वो तो अच्छा है कि ऐन मौके पे मैं पहुंच गया और श्रद्धा और अभय अंदर फंस गए। हम तो यहाँ बुरी तरह से फंस गए अभय। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? ये पकड़ो। ये दरवाजा तो टच से मस नहीं हो रहा। वहां एक खिड़की है। अरे मैं ठीक हूँ, अभी इन सब चीजों का टाइम नहीं है, तुम जल्दी से ऊपर चढ़ो। चलो मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे श्रद्धा, अभी डरने का भी टाइम नहीं है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। चलो चढ़ो। शक्ल में दिखाना, समझा? चल। वरुण जी, इसका मतलब शादी की रात जो हमला मुझ पर हुआ उसके पीछे वरुण जी थे। मैं तो इसे किस्मत की लकीरों का खेल समझ रही थी, पर ये किस्मत का नहीं वरुण जी का रचाया हुआ एक खेल था।
मुझे आप लोगों को उस रात के बारे में बताना है। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उस रात, उसके जिम्मेदार वरुण जी। श्रद्धा, ये आप क्या कह रही हैं? उस रात जो कुछ भी हुआ हम सब ने देखा, क्योंकि वरुण जी कीर्ति को पसंद करते थे और वो इससे ही शादी करना चाहते थे। मैंने वरुण जी उस गुंडे को खुद पैसे देते हुए देखा है जिसने उस रात मेरे साथ। इसकी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हुई है। जब तक मैं उसको उसकी सजा नहीं देता मुझे चैन नहीं आएगा। ये सब मेरा रास्ता काटो। अभय, किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।